नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो मैं फिर से एक बार सिफारिश करूंगा कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हिम्मत बढ़े और मैं और बढ़िया तरीके से इस पर काम कर सकूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज का हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग अपने सब्जेक्ट को जहाँ पर छोड़े थे वहाँ से फिर से शुरू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक OCP से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशन के पॉइंट्स हैं उसको हम लोगों ने देखा। आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं अपने जो रेगुलेशन है ओपन कास्ट रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे कि उसके अंदर है क्या। लेकिन मैं आप दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे रेगुलेशन का बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ रेगुलेशन की उन बिंदुओं पर ही प्रकाश डालूंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपुल च्वाइस क्वेश्चन एग्जामिनेशनों में। पूरा रेगुलेशन दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, उसको आप लोग आराम से घर में पढ़ें, एनालिसिस करें, लेकिन मैं सिर्फ उन बिंदुओं को हाईलाइट करता हूं जिस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपने टाइम को बचाते हुए स्टार्ट करता हूं। हम लोग का सबसे पहला रेगुलेशन था रेगुलेशन नंबर 105 में क्या था दोस्तों, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। अब इसमें क्या करना था दोस्तों, इसमें हम लोग को जो मैटर आता है वो क्या है, साइड को सेफ एंड स्लोप करके रखेंगे। दूसरा आता है इसका जो एंगल है वो रीजनल इंस्पेक्टर के इंस्ट्रक्शन के आधार पर आधारित रहेगा। तीसरा है इसका जो बेंच का हाइट है वो कहीं भी 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगा। चौथा है जो इसका चौड़ाई होगा वो खड़ाई से कभी भी कम नहीं होगा। उसके बाद क्या है, जहां पर मेजरमेंट के लिए पिलर छोड़ा गया है दोस्तों, जहां कहीं भी मेजरमेंट के लिए इस रेगुलेशन में पिलर छोड़ा गया है उसकी जो है हाइट जो है वो 2.5 मीटर से अधिक कहीं नहीं होगी। और इसकी इसमें दूसरा बात क्या है कि अगर पिलर का हाइट 1.25 से अधिक है तो इसका जो बेस का डायमीटर है वो 1.5 मीटर से कम नहीं होगा। अब इस रेगुलेशन में क्या है दोस्तों कि अगर हम ओबी क्वार्ट आकर कोयले तक पहुंच गए हैं तो कोयले में क्या होगा कि जो स्लोप का एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री से के एंगल से अधिक नहीं होगा। दूसरा बात क्या होगा, जो साइड है कोयले में उसको हम बेंच के रूप में एस्टैब्लिश करके रखेंगे, बेंच के रूप में बना के रखेंगे। दूसरा क्या होगा, जो बेंच का कोयला का बेंच का हाइट होगा वो 3 मीटर से ज्यादा नहीं होगा और बेस जो होगा वो हाइट से कम नहीं होगा। और इसमें अगर किसी भी तरह का फेरबदल होता है इस रेगुलेशन में तो वो सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर के रिटर्न परमिशन के बाद ही होगा। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आता है, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड एंड प्रिस्पेक्टिंग ट्रेंच, यानी कि जहां पे गड्ढा है खाई है वैसे जगह पे अगर हम लोग ओपन कास्ट माइंस चलाते हैं तो इसकी जो बेंच की हाइट होगी वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। दूसरा बात इसमें और आता है कि एज और पिलर जैसे कि माइंस चल रहा है उसका एज आ गया, ये लास्ट है, माइंस यहाँ पे खत्म कर रहा है, इसके 3 मीटर के अंदर में किसी भी तरह का कोई लूज मटेरियल, पेड़ पौधा, कोई कंस्ट्रक्शन, ये सब मलवा, ये सब नहीं होगा। चौथा इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है अंडरकट। हम कभी भी ऐसे माइंस में इस रेगुलेशन में इस चीज का उल्लेख है कि हम माइंस में कभी भी इस तरह का कट नहीं करेंगे कि जिससे कि ओवरहैंग यानी कि झूला बनने की संभावना है। अगर कोई पिलर इस तरह से खड़ा है दोस्तों तो हम क्या करेंगे कि हम यहां बीच से काटना शुरू नहीं करेंगे उसको, हम सीधा ऊपर से धीरे धीरे काटना शुरू करेंगे ताकि ये इस तरह का पोर्शन से ओवरहैंग नहीं हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। अब हम आगे दोस्तों हम आते हैं रेगुलेशन नंबर 106 में, जिसमें है कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। अब इसमें क्या आता है दोस्तों, लूज मटेरियल, मोरम, बजरी, नरम मिट्टी जैसा जो बेंच होता है उसकी हाइट क्या होगी, 3 मीटर। इसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है दोस्तों कि अगर ओवरबर्डन बेंच हाइट डिगिंग मशीन जो भी हम लोग माइंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी तरह का जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो रीच है, हैवी अर्थ मूविंग मशीन का जो रीच होगा उसका जो हाइट है
वो बेंच की हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसका जो बेस होगा बेंच के जो बेस, नहीं ये गड़बड़। अब आते हैं दोस्तों हम लोग रेगुलेशन नंबर 108 में, जिसमें है स्पॉइल बैंक एंड डंप। इसमें तो सबसे पहला जो आता है, बात आता है, वो होता है नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज। ये किसी भी हालत में 37.5 से अधिक नहीं होगा। इसमें दूसरा बात जो आता है वो है कि इसमें किसी भी तरह का फेरबदल जो है वो रीजनल इंस्पेक्टर के इंस्ट्रक्शन के बाद ही होगा और रिटेन ऑर्डर के साथ होगा। तीसरा पॉइंट आता है इसमें, किसी भी बेंच में 30 मीटर से अधिक ना हो, कोई भी बेंच 30 मीटर से अधिक ना हो, और उसका ओवरऑल स्लोप एक वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजेंटल से अधिक ना हो। इसका लास्ट पॉइंट आता है स्वेल बैंक का टो जो है वो रेलवे पब्लिक वर्क पब्लिक रोड या अन्य के 100 मीटर के नजदीक तक नहीं बढ़ाया जाएगा। ओके दोस्तों, अब आती है बात, हम करते हैं 109 रेगुलेशन 109 जो है ट्रांसपोर्ट रूल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मौजूदा लोकल कंडीशन तथा यूज में जो आ रहा मशीन उसको ध्यान में रख के कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है वो ट्रांसपोर्ट का हम लोग बनाएंगे, कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल बनाएंगे, और इसका एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को हम लोग भेजेंगे। दूसरा इसमें आता है, इसमें कोई भी तरह का फेरबदल जो आएगा वो कौन करेगा, रीजनल इंस्पेक्टर करेगा। तीसरा इसमें एक पॉइंट आता है कि अगर माइंस में जो है ऐसी मशीन पहले से प्रयोग में है, वहां ऐसे ट्रांसपोर्ट रूल लागू करने के 90 दिन के भीतर बना लिए जाएंगे, और इसकी एक कॉपी जो है वो जो वहां पे वर्कर जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं उस लैंग्वेज में कोशिश करना है हमको कि प्रिंट करा के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों रेगुलेशन 110 में कोड ऑफ प्रैक्टिस। कोड ऑफ प्रैक्टिस में क्या है दोस्तों कि प्रत्येक नई मशीन तथा नई ऑपरेशन जो है उसके लिए माइंस का मैनेजर जो है वो एक कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा जो किसी भी कीमत पे एक्ट और रेगुलेशन का विरोध नहीं करेगा। ये लोकल कंडीशन तथा मशीन को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। तीसरा, इसका एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा तथा किसी भी तरह का फेरबदल करने का भी जो अधिकार है वो रीजनल इंस्पेक्टर के रिटर्न ऑथोरिटी के बाद ही होगा। इसके लास्ट पॉइंट में क्या आता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है वो रेगुलेशन प्रभावी होने के 90 दिन के भीतर बना लिए जाएंगे एवं उसको चालू कर दिया जाएगा। कोड ऑफ प्रैक्टिस में कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं दोस्तों, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ मशीनरी बिफोर द फर्स्ट यूज। इसमें दूसरा आता है कि जांच का हम रिकॉर्ड रखेंगे विद डेट, और तीसरा आता है ओनर एजेंट और मैनेजर संबंधित पदाधिकारियों को एक एक कॉपी इसका सौंपेगा। ओके दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों रेगुलेशन 122। रेगुलेशन 122 में क्या है, वर्किंग नियर माइन बाउंड्री इन ओपन कास्ट माइंस। अब इसमें क्या है दोस्तों, ऑनर एजेंट और मैनेजर मिलके जो माइंस है उसका सीमा निश्चित करेगा, और सीआई क्या करेगा, इसमें एक रिटेन अपना जो है परमिशन देगा, और इसमें किसी भी तरह का चेंज का जो अधिकार है वो भी सीआई का ही होता है। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है इसमें कि दो या दो से अलग हम माइंस चला रहे हैं, चाहे अंडरग्राउंड चला रहे हैं चाहे ओपन कास्ट चला रहे हैं। अब अगर हमको देखने में ये लग रहा है कि भाई इसका जो है सुपरविजन लैग हो जाएगा, मैनेजर ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसको हम लोग दो या दो से अधिक भागों में बांटते हैं। लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है कि दो अलग अलग माइंस जो चलेगा उन दोनों के बीच की दूरी कम से कम 7.5 मीटर से कम नहीं होगी। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों रेगुलेशन 127। इसमें क्या है, स्टीप वर्किंग यानी खड़े ढाल वाले जगह पे माइनिंग। ऐसे जगह पे क्या है कि 30 डिग्री एंगल पे लोगों को बचाने के लिए समुचित सावधानियों का व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि 45 डिग्री एंगल जहां पर भी है स्टीप वर्किंग में, वहां पर सेफ्टी बेल्ट और साथ में लाइफ लाइन के बिना कोई भी आदमी काम नहीं करेगा। ओके, इसमें दूसरा पॉइंट ये आएगा दोस्तों कि शिफ्ट में जब काम शुरू होगा उसके 2 घंटे के अंदर सरदार या कॉम्पिटेंट पर्सन या ओवरमैन अपने साथ एक व्यक्ति को लेगा
और जितना भी लोडिंग पॉइंट है, ट्रैवलिंग रोड है, पूरा वर्किंग एरिया जो भी उसके चार्ज में है, उसका पूरा एक निरीक्षण करेगा और प्रत्येक चार घंटे के बाद अपने वर्किंग टाइम में प्रत्येक चार घंटे के बाद एक बार पुनः रीचेक करेगा अपने सारे चार्ज में आने वाले प्लेस को। ओके, ओवरमैन रिपोर्ट बुक या सरदार अपना रिपोर्ट बुक लिखता था, उसमें एक नई चीज जुड़ी है दोस्तों, वो खास ध्यान देने वाली है कि हम अपने रिपोर्ट को जब लिखेंगे तो उसमें लास्ट में ये चीज का उल्लेख करेंगे कि हमारे शिफ्ट में कितने व्यक्ति काम पर थे या कितने की अटेंडेंस हमारे शिफ्ट में बनी है, उसकी संख्या का उल्लेख हम अपने रिपोर्ट बुक में लिखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों रेगुलेशन 131 जिसमें है क्या, वर्किंग एट हाइट। अब इसमें क्या है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति 1.5 मीटर से कम चौड़े वाले लेग अड़खे या रास्ता फुटपाथ पर काम नहीं करेगा जिससे कि वह 1.8 मीटर की हाइट से गिर सकता हो, अगर ऐसे जगह पे काम कर रहा है तो वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक प्रॉपर गार्ड रेल लगाकर उस जगह को सुरक्षित नहीं कर लेते हैं। ओके, तो आज हम लोग दोस्तों यहीं पर रुकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो ओपन कास्ट माइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, उसके बारे में एक वीडियो लेके आऊंगा। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि एनसेल एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट दूं पीडीएफ फाइल बना के, ताकि कम से कम आप क्वेश्चन को देखें और समझें कि हमें किस तरह का मल्टीपल चॉइस रेगुलेशन बेस्ड पे या रूल पे या एक्ट या सर्कुलर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ताकि आप एक प्रॉपर प्रैक्टिस में रहें। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में कमेंट जरूर लिखिए, ताकि मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार ला सकूं। थैंक यू दोस्तों।